हेलो स्टूडेंट्स, आई विल बी टीचिंग यू द थर्ड चैप्टर फ्रॉम योर रीडर हनी ड्यू टुडे। दिस थर्ड चैप्टर इज़ अ सीरीज ऑफ कॉमिक स्ट्रिप्स। ये लिखा हुआ चैप्टर नहीं है, ये कॉमिक स्ट्रिप्स के फॉर्म में चैप्टर है। सो आई गिव यू द समरी ऑफ एवरी सीन दैट इज़ गिवन ऑन एवरी पेज। ऑन एवरी पेज देयर इज़ अ पर्टिकुलर सीन। दिस इज़ सीन नंबर वन where you can see Lata Mangeshkar maybe singing, and this chapter actually gives you the detailed history of our country from 1757 to 1857. It gives the detail of conditions, situations that led to the first war of independence in 1857, how East India Company company conquested the rulers with help of their superior weapons, and they promoted the superstition of Indians. They imported goods from Britain without import duty, and they even chopped off thumbs of artisans. So the first scene is all this happened, and therefore it led to the revolt of 1857. Now in picture one, as I told you, you can see singer singing, or there is a program, and here the nation is celebrating its independence on 15th August 1947, and a homage is given to its martyrs. When you come to the second scene, here you can see that the East India Company with its superior weapons is extending its power in the 18th century in India, and they helped the rival kings in their wars, and because of this the Indian princesses subdued to the British Empire one by one. Subdued means उन्होंने इंडियन राजाओं की हेल्प करी थी और जंग को जीतने में। अब जब कोई हेल्प करता है तो आप उसका एहसान ले लेते हैं, इसीलिए जो किंग्स थे इंडिया के वो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर आ गए थे। देन वी कम टू द थर्ड पिक्चर where Britishers ruled India by divide and rule policy based on absurd practices like untouchability and child marriage, which was already prominent among Indians. तो untouchability और child marriage ये ऐसे issues थे जो Indians को divide करने के लिए बहुत easy थे, और Britishers यही चाहते थे कि India को divide कर दें, लोगों में फूट करा दें, ताकि लोग कभी यूनाइट होकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ ना उठा पाएँ। देन वी कम टू द फोर्थ पिक्चर वे यू कैन सी राजा राम मोहन रॉय, ही अंडरस्टूड द ब्रिटिश पॉलिसी। ये जो मैंने कहा अभी, इस बात को वो समझ गया राजा राम मोहन रॉय, एंड ही स्टार्टेड द मिशन फॉर फ्री इंडिया। ही रिफॉर्म्ड द सोसाइटी फ्रॉम इट्स सोशल इवल्स एंड प्रैक्टिसेस, एंड ही बैंड द सती प्रैक्टिस। इफ़ यू हैव सीन द मूवी पद्मावत, उसमें हीरोइन जैसे आखिर में जल के अपने आप को ख़त्म कर लेती है। दैट वॉज सती प्रैक्टिस, कि अगर हस्बैंड मर जाता था तो वाइफ अपने आप को आग में जला के ख़त्म कर देती थी। देन देयर वॉज चाइल्ड मैरिज। तो कई ऐसी प्रथाएं थीं जो सही नहीं थीं, इंडिया में चल रही थी, राजा राम मोहन रॉय ने उनको ख़त्म कराया। देन वी कम टू द फिफ्थ पिक्चर ब्रिटिश कोर्ट्स पास्ड अ रेगुलेशन दैट इंडियंस कुड बी सेंट टू जेल विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, and on the other side oppressed the Indian cottage industry by importing foreign goods. We come to the sixth picture. A wave of dissatisfaction against British policies started spreading in the society, and people wanted to get rid of them. Aisi policies bana di thi Britishers ne ki logo ko bilkul bhi acche nahi lagte the unke rules regulations, बहुत ख़राब लगते थे क्योंकि वो इंडियंस के अगेंस्ट थे। किसी को भी अरेस्ट कराया जा सकता था, और कोर्ट में जाए बिना, कोई केस चले बिना सीधे जेल में डाल दिया जाता था। सो ऑल दिस वाज डिसलाइक्ड बाय इंडियंस। देन वी कम टू द सेवेंथ पिक्चर वेयर द स्पार्क फॉर द वॉर इन 1957 वाज दैट द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स वाज यूज्ड इन द ग्रीस ऑफ बुलेट्स। कारतूस जिसे कहते हैं, जो कि बंदूक की गोली होती है,
उसको ये कहा गया कि उसमें ग्रीस यूज़ करी जाती थी पिग्स और काउज की। नाउ एज वी नो हमारे देश में हिंदू जो हैं वो बिल्कुल इस चीज़ को ख़राब मानते हैं, किसी भी मैक्सिमम वेजिटेरियंस हैं तो वो किसी भी तरह से किसी एनिमल की किसी भी पार्ट को अपने मुंह में लेना पसंद नहीं करेंगे। और इसीलिए जानबूझ के ब्रिटिशर्स ने ये बात फैला दी कि जो कारतूस है उसको मुंह से खोलना पड़ता था और फिर उसे गन में डालना पड़ता था। तो उन्होंने ये बात फैला दी कि कारतूस में पिग्स और काउज का फैट लगा है। तो ये बात जो थी इसने लोगों को और नाराज़ कर दिया कि हमसे जानबूझ के ऐसा काम करवाया जा रहा है, हमारे जिसे कहते हैं हिंदी में धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है। देन इन द 8th पिक्चर यू कैन सी द रिवोल्ट ऑफ 1857 बीइंग टेकन प्लेस। लड़ाई हुई, लोगों के बीच में बातचीत हुई और रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। एंड इन द 9th पिक्चर यू कैन सी दैट मैनी फॉर्मर रूलर सपोर्टेड द रिवोल्ट। पेशवा नाना साहब वॉज मेड द लीडर इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड मैनी पीपल सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर इंडिपेंडेंस। सो दिस इज़ अबाउट द चैप्टर। नाउ इट फॉलोज 6 क्वेश्चंस। द 5th क्वेश्चन हैज़ बीन डन फॉर यू। 5th क्वेश्चन आपकी बुक में ही मैंने मार्क कर दिया था तो आप उसको यहाँ से देख के कर सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव दिस एक्सरसाइज। दिस एक्सरसाइज हैज़ ऑल्सो बीन रिटन। इस एक्सरसाइज को भी मैंने सॉल्व कर दिया है, ये भी आप अपनी कॉपी में करेंगे, ठीक है। अब ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इस पेज पे, क्वेश्चन नंबर 1-4 एंड 6th क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 एंड 6, इनके आंसर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। दिस इज़ 4th, दिस इज़ 6, देन 1, 2, 3 जो है वो आपके इस वीडियो के एंड में है। दीस बाय मिस्टेक दे हैव कम इन द एंड। ये आपका फर्स्ट आंसर है, सेकेंड आंसर है और थर्ड आंसर है। फिर आपका 4th आंसर ये है और ये 6th आंसर है। दीज आर द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। फाइन, नेक्स्ट वी कम टू द पोएम दैट इज McCavity. Now McCavity is actually a cat and it is not a real cat. The poem is about a mystery cat and this cat is a criminal who has broken all the laws and become a problem for the police. And McCavity can never be discovered at the crime scene. Every time she vanishes away. And I'll start the meaning of this, the summary of this poem. The poet has discussed a cat who is very mischievous. As you know, the name is McCavity. And he is also called the hidden paw. Paw means uske haath. To uske haath jo hai chhupe hue, aisa isliye kaha gaya hai kyunki uske haath jo bhi kaam karte hain kuch pakda nahi jata hai. And he is a master criminal who has broken all the laws and has become a headache for the Scotland Yard. Jo Scotland ki police hai unko Scotland Yard kaha gaya hai, the flying squad, because they never reach the scene of crime to catch McCavity. Jab bhi wo crime par pahunchte hain McCavity wahan nahi hoti hai. McCavity has broken the law of gravity and can fly in the air. जिसे कहते हैं कि वो तो मतलब हमें मिला ही नहीं, हवा में कहीं खो गया वो पर्सन, ऐसी McCavity है कि यहाँ चोरी हुई या यहाँ पर कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी हुई और McCavity जैसे हवा में खो जाती है। शी इज़ कॉल्ड अ जिंजर कैट, शी इज़ वेरी टॉल एंड थिन। सो ही हैज़ संकन आइज, डीप आईब्रोज, हाईली डोम्ड हेड
एंड हिज कोट इज़ डार्क ब्राउन, विस्कर्स आर अनकॉम्ब. विस्कर्स मीन्स जो कैट की मूछें होती हैं. एंड मैकैविटी मूव्स लाइक अ स्नेक एंड इज वाइड अवेक व्हेन वन थिंक्स ही इज़ हाफ अस्लीप. और मैकैविटी जो है वो स्नेक की तरह चलती है. जैसे आपके सामने जब स्नेक टेढ़ा मेढ़ा चलता है तो आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे जल्दी. एक तो डर लगेगा उसे पकड़ने में, फिर आप उसे पकड़ भी नहीं पाएंगे, वो इतना टेढ़ा मेढ़ा चलता है. इट्स स्लिपरी ऑल्सो, सो मैकैविटी को भी पकड़ना मुश्किल है. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट इट इज़ वाइड अवेक व्हेन यू विल थिंक दैट इट्स हाफ अस्लीप. आपको लगेगा बैठी है, सो रही है, इस समय इसको पकड़ा जा सकता है, मगर आपको लगेगा सो रही है, मैकैविटी एक्चुअली पूरी तरह जग रही होगी. बिकॉज मैकैविटी इज़ अ वेरी स्मार्ट कैट एंड इज़ अ डेविल इन द शेप ऑफ अ कैट एंड ही कैन बी सीन एनी वेयर बट नॉट ऑन द सीन ऑफ क्राइम. ऐसा नहीं है कि मैकैविटी कहीं दिखाई नहीं देती है, वो दिखाई देगी, अलग अलग जगहों पे दिखाई देगी, मगर जब वो चोरी करके उसको उस समय रंगे हाथों पकड़ना होगा, बस तब नहीं दिखाई देगी. तो उसको पकड़ना मुश्किल है. ऐसे घूमती फिरती दिख सकती है मगर उसको पकड़ना मुश्किल है. फाइन. नाउ दिस पोएम फॉलो सर्टेन वर्ड मीनिंग्स दैट यू नीड टू लर्न. यू नीड टू लर्न द वर्ड मीनिंग्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स. सारे चैप्टर्स के एंड में, जिन जिन चैप्टर्स के एंड्स में वर्ड मीनिंग्स हैं, वो आपको याद करनी है बुक से. देर इज़ नो नीड टू राइट इन द कॉपी. देन देर कम सर्टन क्वेश्चन. क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 ट्रू फॉल्स है. ये आपकी आपके लिए किया हुआ है. ठीक है. आई थिंक 1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 6, 7. This is the answer of question 1. Then 2, 3, 4, 5 is true, false, 6 and 7. Ye answers hain in questions ke, jo poem ke end mein diye hue hain. So these you have to do in your copy. Remember, लिटरेचर की कोई भी रीडर हो, उसमें जितने वर्ड मीनिंग्स हैं चैप्टर के एंड में आपको याद करने हैं. किसी भी चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है. जहाँ पर वर्ड मीनिंग्स नहीं हैं नहीं याद करने हैं, जहाँ हैं याद करने हैं पर कॉपी में नहीं लिखने हैं. फाइन. दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर.